हेलो दोस्तों, कुकिंग वीलॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फूल गोभी, मटर और टमाटर की सूखी सब्ज़ी। मैंने यहाँ फूल गोभी काट ली है और इसे गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डिप किया है ताकि इसमें जो भी गंदगी हो वो निकल जाए। बड़े पीस काटने हैं और बड़े पीस ही टमाटर के काटने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें तेल डाल दिया है। करीबन 2 बड़े चम्मच जितना मैंने तेल लिया है, क्योंकि सब्जी सूखी रहेगी तो इसमें तेल अच्छे से चाहिए। और हमारा तेल लगभग गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई। अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर हींग, इतनी हल्दी। हल्दी पहले डालने से सब्ज़ी में कलर बहुत सुंदर आता है, इसलिए हमने हल्दी पहले डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे फूल गोभी जो हमने पानी में उबाल के रखी थी। इसमें डालेंगे करीबन 1 कटोरी जितने मटर। मटर मैंने यहाँ पहले से छील लिए थे। अब हम इसमें डालेंगे करीबन 2 चम्मच जितना नमक। बाकी आप नमक अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम सब्जी को मिक्स करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सब्जी मिक्स कर दी है और अब हम इसे थोड़ी देर पकने के लिए प्लेट से कवर कर देंगे। मेक श्योर आप प्लेट को उल्टा कवर करें ताकि इसकी जो भी स्टीम है वो प्लेट के अंदर रह जाए, बाहर ना निकले। करीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे ढकेंगे और फिर हम इसे चेक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम सब्जी को ओपन करके देखेंगे। हमारी सब्जी सेमी कुक हो चुकी है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च। अगर आप तीखा खाते हैं तो 1/2 स्पून और डाल सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, क्योंकि सूखी सब्जी है तो धनिया अच्छे से डलेगा। 1/2 स्पून और थोड़ी देर अब हम इसे खुला पकाएंगे ताकि बचा हुआ जो भी पानी है वो सूख जाए और सब्जी सूखी सूखी रहे। हमारी सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। ध्यान रखिए, टमाटर हमेशा सब्जी के पकने के बाद में डालिएगा, क्योंकि खटाई डालने के बाद में सब्जी पक नहीं पाती। हम इसे मिक्स करके फुल गैस पे छोड़ेंगे ताकि टमाटर का पानी और जो भी सब्जी का बचा हुआ पानी है वो अच्छे से जल जाए। काफ़ी अच्छी सब्जी लग रही है ये। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी सब्जी पूरी तरीके से रेडी है। अब हम इसमें इसे और सुंदर बनाने के लिए धनिया पत्ती डालेंगे। धनिया पत्ती काफ़ी हेल्दी रहती है और सब्जी में भी काफ़ी सुंदर लुक डालती है। आप भी ये सब्जी बनाइए और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए रेगुलर अपडेट रहिएगा। थैंक यू सो मच।